बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दौर में हम और आप अपनी आंखों से देखते हैं, कभी तकरीबात में, कभी शादी ब्याह के मौके पर, और कभी रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, और बहुत सारी मकामात पर, कि हमारी मुस्लिम माएँ और बहनें अपना लिबास छोड़कर मर्दों के लिबास पर आ पहुंची हैं। बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन वो हैं जो पैंट पहनी या शर्ट या टी शर्ट पहनी नज़र आती हैं, जबकि वो मुसलमान हैं, मुसलमान की बेटी हैं। उनका कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उनकी किताब कुरान है, उनका क़िबला बेतुल्ला है, उनके नबी रसूल हैं, और वो ये भी कहती हैं हम मुसलमान हैं, हुजूर की उम्मत में हैं। लेकिन उन्हें इस बात का या तो इल्म नहीं है, या इल्म है तो हरदर्मी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या कहा है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई ऐसे इंसान पर जो औरत का लिबास पहनता है, और ऐसी औरत पर जो मर्द का लिबास पहनती है। क्या ये हदीस या तो उन तक नहीं पहुंची, या उन्होंने नहीं सुनी, या अगर सुनी है तो फिर यह हठधर्मी है और उनका दिल गुनाहों से सिया हो चुका है कि दीन की बात उनके दिल पर असर नहीं कर रही। जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता है और गुनाह की दलदल में डूब जाता है, तो उस इंसान के दिल का हाल उस बर्तन की तरह हो जाता है जिस बर्तन को औंधे मुंह बारिश में रख दिया जाए तो बारिश का एक भी कतरा उस बर्तन के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए कि उसका मुंह जमीन की तरफ है। बारिश अगर 10 दिन भी हो, एक साल भी लगातार हो, तब भी उस बर्तन में कोई खतरा नहीं जाएगा। यही उन हजरात का हाल है जो कुरान सुनते हैं, हदीसें सुनते हैं, उलमा की तकरीरें सुनते हैं, जानते हैं ये काम गलत है, लेकिन दिल अंदर से इतना काला और सिया हो चुका है, गुनाहों के धब्बे इतने आ चुके हैं कि वो गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, और गुनाह को उन्होंने बहुत हल्के में लिया है, और वो ये समझते हैं मरने के बाद देखा जाएगा। याद रखना, मौत तक है फायदा उठाना, मजे लेना। कुरान ने भी कहा खुलू व तमत्तउ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, खा लो पी लो मजे उड़ा लो, लुत्फंदोज हो जाओ। ए मुजरिमों, एक वक्त आएगा कि तुम्हें जो कर रहे हो उसकी सजा मिलकर रहेगी। इसलिए मैं आपसे ही बात कहना चाहूंगा, खास तौर पर कि अगर आज हमारी माएं और बहनें इस तरह का लिबास पहननी है, बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को रोके, भाई की जिम्मेदारी है कि बहन को रोके, शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी को रोके, ये तुम सब के सब जिम्मेदार हो उनके जो तुम्हारी माँ तहत हैं। आज अगर आपने इनको नहीं रोका और इसी हाल में ये चले गए, इनको तो सजा मिलेगी लेकिन तुमको भी मिलेगी, इसलिए कि तुमने मना नहीं किया था और इनको रोका नहीं था। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।